मैं पंडित जगदीश शर्मा ज्योतिष आचार्य, आज बात करेंगे राशिफल के बारे में। हम बात करते हैं राशिफल के बारे में, मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लिए आज का दिन थोड़ा कष्टप्रद रह सकता है, यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, इष्ट मित्रों से मुलाकात हो सकती है। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए दिन सामान्य रहेगा, मंगल कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के सिलसिले में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए दिन शुभ है, आप शत्रुओं से थोड़ा बचकर रहें, सावधानी पूर्वक आप अपना कार्य आगे बढ़ाएं, आपको लाभ होगा। कर्क राशि के लिए आज दिन बहुत शुभ है, आप कोई मंगल कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, आप अपने कार्य में किसी जन सहयोग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए आज मंदिर में जाकर के और देवी जी के लिए दीपक लगाएं तो आपका दिन और शुभ हो सकता है। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए दिन शुभ है, आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य की पूजा करने से आपका दिन और शुभ हो सकता है। आप जो है किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्मिलित होकर के और वहाँ पर आप अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज का दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा, इष्ट मित्रों से आपको सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सामान्य है, आप वाहन सावधानी से चलाएं, आप आज कहीं की यात्रा पर निकल सकते हैं, यात्रा से लाभ भी होगा, परंतु गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें, शत्रुओं से आपको कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के लिए दिन सामान्य है, आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको आज अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक कहीं से आपको पुराना पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे आपको मन में बड़ी खुशी प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन थोड़ा कष्टप्रद रहेगा, कहीं चोट चपेट लग सकती है, सावधानी से आप अपना कार्य करें, आपको इष्ट मित्रों से भी थोड़ा सा धोखा प्राप्त हो सकता है, कहीं सार्वजनिक रूप से आप अगर बातचीत करें तो बड़ी सावधानी से करें, उससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आप के घर मेहमानों का आगमन हो सकता है, उनसे कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है और आपको मंगल कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए दिन शुभ है, आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, आपके लिए अचानक कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है और उससे आपको मन में बड़ी प्रसन्नता बनी रहेगी जिससे आपका पूरा दिन सुख और समृद्धि दायक रहेगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए दिन थोड़ा सा कष्टप्रद है, आप जहाँ कहीं भी रहें उस स्थान पर कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों से परेशानी प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आपको भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम की आराधना करना चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, मन में थोड़ी खिन्नता बनी रहेगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए दिन थोड़ा कष्टप्रद रहेगा, आप कहीं गुप्त स्थान पर जाने की सोच सकते हैं, परंतु यात्रा को अगर आप टालें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यात्रा करना आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है, आपके घर पर कोई अचानक मेहमान भी आ सकते हैं, उन मेहमान से कोई आपको बुरी खबर भी मिल सकती है, उसके लिए आप अपने गुरुदेव का स्मरण करें और कहीं किसी गरीब को पीली दाल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ रहेगा।